हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये लास्ट एपिसोड है एम्बर एंड एम्बर समरी सीरीज का। इससे पहले हमने 17 लेक्चर्स फिनिश किए हैं। चैप्टर 18 ग्लोबल प्रॉब्लम्स। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी अमन यादव। तो ये लास्ट वीडियो है हमारी समरी सीरीज का। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस पूरी प्लेलिस्ट को शेयर करो। ये आप यहाँ पे क्लिक करके आप प्लेलिस्ट पे पहुँच जाओगे, वहाँ से शेयर का बटन मिलेगा, वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो प्लेलिस्ट को अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनका एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है, आप उनको भेजो इसको। और अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना चाहते हो तो मुझे फॉलो कर सकते हो @damanyadav पे। और इसके बाद हमारी अगली वीडियो जो है वो SERT बोर्ड की, केरला बोर्ड की जो बुक आती है एंथ्रोपोलॉजी की, क्लास 11th और क्लास 12th के लिए, जो बहुत बेसिक बुक है जिसमें एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बहुत ही बेसिक्स दिए हुए हैं, बहुत ईजी बुक है, इससे आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं उस पूरी बुक को कवर करने वाला हूँ। ये समरी है, लिखा है, लेकिन पूरी बुक को ही कवर करेंगे हम एंटायरली। एक एक चीज़ उसमें जो भी दी हुई है, हर एक चैप्टर में पूरे सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। तो आप इसको देखने के लिए रेडी रहिए, जस्ट अगली वीडियो मैं यही ला रहा हूँ। सो थैंक यू। चैप्टर 18 ग्लोबल प्रॉब्लम्स, नेचुरल डिजास्टर एंड फेमाइन। Climatic and other events in the physical environment becomes worse disasters because of events or conditions in the social environment. Therefore, disasters are also social problems which have social causes and possible social solutions. Climate में mostly disasters होते रहते हैं, जैसे कि earthquake हो जाता है, कभी flood आ जाते हैं, कभी tsunami, कभी volcano, landslides। तो ये सारे disasters हमारी society में exist करते हैं, इनकी वजह से काफ़ी नुकसान होता है हर साल। बहुत सारे disasters होते हैं पूरे world में, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लाइफ का, मनी का, इन सारी चीज़ों का बहुत नुकसान होता है। फेमाइन ऑलमोस्ट ऑलवेज हैज़ सम सोशल कॉजेज एंड इज डिटरमाइंड बाय हु हैज़ राइट टू द अवेलेबल फूड एंड वेदर दोज हु हैव मोर फूड डिस्ट्रीब्यूटेड टू दोज हु हैव लेस। तो यहाँ पे बताया गया है कि फेमाइन मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होती है सोशल कॉजेज की वजह से, हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से फेमाइन होती है मोस्टली, मोस्ट केसेस में। नेचुरली भी होती है लेकिन मोस्ट केसेस में हमारे खुद के रीजंस की वजह से होती है। क्रॉस कल्चरल रिसर्च सजेस्ट दैट सोसाइटीज विद इंडिविजुअल रैदर देन शेयर्ड प्रॉपर्टी राइट्स आर मोर लाइकली टू सफर फेमाइन। इसमें एक चीज़ और बताइए, जो सोसाइटीज में मोस्टली इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं वहाँ पर फेमाइन ज़्यादा आती है, क्योंकि वेल्थ का एक्यूमुलेशन किसी एक इंसान के पास हो जाए तो बाकी सब लोगों के लिए रिसोर्सेस कम पड़ जाएंगे, और ये एक रीजन बन सकता है फेमाइन का। इनएडिक्वेट हाउसिंग एंड होमलेसनेस। इन 2010 हाफ ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड लिव्ड इन अर्बन एरियाज एंड इट इज प्रोजेक्टेड टू बी अबाउट 70% बाई 2050। एज ऑफ 2012 अप्रॉक्सीमेटली 1 billion पीपल और अबाउट 33% ऑफ अर्बन dwellers लिव्ड इन slums. 4 in 10 नॉन परमानेंट houses इन slums वर इन हाई रिस्क एरिया सच एज फ्लड zones और एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। ऑल बट द अपर इनकम एलीट मे बी फाउंड इन इलीगल सेटलमेंट्स। स्क्वाटर सेटलमेंट्स आर नॉट कैओटिक, अनऑर्गेनाइज्ड और फुल ऑफ क्राइम। मोस्ट ड्वेलर्स कैन नॉट फाइंड अफोर्डेबल हाउसिंग बट दे आर एम्प्लॉयड एस्पायर टू गो अहेड लिव इन इंटैक्ट न्यूक्लियर फैमिलीज एंड हेल्प ईच अदर। रिसर्च सजेस्ट डिफरेंसेज इन द कॉजेज ऑफ होमलेसनेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सोशल एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज कॉज होमलेसनेस। Many countries have street children. In the late 1980s, 80 million of the world's children lived in the streets. In the 2000s, the estimated number grew to about 150 million worldwide. तो जो street children's का जो number है वो बहुत speed से बढ़ रहा है। अभी 1980s में बताया गया था, estimate लगाया गया था कि 80 million world children lived in streets. And 2000s में ये number बढ़ के 150 million हो गया worldwide. Family violence and abuse is another social problem. To avoid having to decide what is or is not abuse, many researchers focus their studies on variation in the frequencies of specific behaviors. For example, which societies have physical punishment of children. तो ये decide करना कि क्या चीज़ abuse है, क्या चीज़ abuse नहीं है, तो researchers focus करते हैं studies पे, variation पे, उनके लोगों के behaviors पे, तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो वो बताता है कि वो पनिशमेंट है या नहीं है, वो एक अब्यूज़ है या नहीं है। मच ऑफ द वायलेंस डायरेक्टेड एट चिल्ड्रन इज बिलीव टू बी मोरली करेक्ट बाय द पीपल प्रैक्टिसिंग इट।
Children who are corporally punished are more likely to later physically assault their dating partners or spouses, be convicted of a crime, and have depression. Corporal punishment is possibly a cradle of violence. Two main predictors of corporal punishment is the cross-cultural record that are practically universal in the nation-states of the world and are money economy and a stratified social system. Wife beating occurs in 85% of the world's societies. It is most common when men control family labor and have the final say in the home. When divorce is difficult for women, when a husband's skin control remarriage for a widow, और वैन वुमेन हैव नो फीमेल वर्क ग्रुप्स. तो यहाँ पे कुछ रीजन दिए हुए हैं जिसकी वजह से वाइफ बीटिंग अकर होती है. जैसे कि एक सबसे कॉमन रीज़न है, जब मैन हेड ऑफ द फैमिली होता है और घर में फैमिली की लेबर सारी चीज़ें वो संभाल रहा होता है तो ऐसे केसेस में बीटिंग हो जाती है. उसके बाद वैन डाइवर्स इज डिफ़िकल्ट फॉर अ वुमेन, कुछ कम्युनिटीज में डाइवर्स लेना बहुत मुश्किल है तो वहाँ पर सफ़र करना पड़ता है वुमेन को इस चीज़ से. और कुछ केसेस में विडो रीमैरिज, अगर एक हस्बैंड के किन्स यानी कि उसके रिलेटिव्स की मर्जी के बिना नहीं हो सकती तो वहाँ पे ये फेस करना पड़ता है. नेक्स्ट इज क्राइम. व्हाट इज अ क्राइम इन वन सोसाइटी इज नॉट नेसेसरीली अ क्राइम इन अनदर. रिसर्चर्स टेंड टू लुक एट द होमिसाइड रेट्स टू असेस वेरिएबिलिटी अमंग सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ क्राइम. Whether a nation is defeated or victorious, homicide rates tend to increase after a war. More countries show murder rates going down rather than up after capital punishment was abolished. Homicide is usually highest in nations or societies with high poverty and income inequality. Next is war. Armed conflict appeared to be greater in periods of worsening climate and more frequent in climate-related natural events associated with disasters. Teaching children to mistrust others may be another factor predicting war. People who grow up to be mistrustful may be more likely to go to war than negotiate or seek conciliation. Mistrust or fear of others seem to be partly caused by threat or fear of disaster. Interstate wars today are uncommon. Internal wars and civil wars constitute most of the present armed conflict. Recent research suggests that civil wars are predicted by the per capita income of the country. All of the war today are in poorer regions. Next is terrorism, Atankwad. One marker of the difference between the most crime and terror is that criminals rarely take public credit for their activities because they do not want to be caught. Terrorist perpetrators usually proclaim their responsibility. So, terrorism mein kya hota hai ki terrorists jo hote hain वो अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जैसे कहीं हमला किया, टेररिस्ट अटैक किया, तो उसके बाद कुछ टाइम बाद पता चली जाता है कि ये किसने किया, कोई ना कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है. लेकिन जो क्रिमिनल्स होते हैं छोटे मोटे, वो कभी पब्लिक क्रेडिट नहीं लेते हैं उस चीज़ का, बिकॉज उनको पकड़े जाने का डर होता है. लेकिन टेररिस्ट के केस में ऐसा नहीं होता, उनको ये बताना ही होता है कि हाँ ये हमने किया है, बिकॉज उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि उनकी कुछ एक डिमांड होती है, उसके लिए वो दहशत फैलाते हैं. तो जब तक वो बताएंगे नहीं तो उनकी कोई डिमांड पूछेगा नहीं, और डिमांड पूछेगा नहीं तो वो फुलफिल नहीं हो पाएगी. टेररिस्ट वायलेंस इज डायरेक्टेड मोस्टली एट अनआर्म्ड पीपल इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन. इट इज इंटेंडेड टू फ्राइटन द एनिमी, टू स्केयर देम इनटू डूइंग समथिंग दैट द टेररिस्ट वांट टू सी हैपन. टेररिज्म इज नॉट अ न्यू डेवलपमेंट एंड गोज बैक टू एटलीस्ट फर्स्ट सेंचुरी. टुडे देयर इज हाइटेंड फियर ऑफ टेररिस्ट हु मे हैव एक्सेस टू वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. Most research has been done on state terrorism than on terrorism. State terrorism has resulted in 4 times more deaths than all the wars, civil and international, that occurred in 20th century. A clear predictor of state terrorism is the presence of a totalitarian government. Terrorists generally come from higher statuses and have higher levels of education. Terrorist organizations tend to arise in countries that have lower measures of human development, poor records of political rights and civil liberties, and higher concentration of young people. Making the world a better place. Social problems such as disaster, famine, inadequate housing, homelessness, family violence, crime, war, and terrorism can be studied, and the research findings can be applied to improve or resolve those problems. Factors that create social problems are not always obvious, so it is important to look carefully at beliefs and practices within and among cultures to better understand the dynamics of these problems. Thank you guys for watching this video. Please make sure to press the like button
एंड शेयर दिस समरी सीरीज प्लेलिस्ट टू योर ग्रुप्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.